साइन डाला, हाँ 10 लीटर डाला इसके अंदर अपने बेलगिरी का जैवरा साइन और कैप्सूल कल्चर और गुड़ डाल दिया। अब भस्म रसायन कितना है? 2 किलो डाला है गुरु जी। ये 5000 लीटर पानी है इसमें। तो ये पूरे खेत में तुम्हारे चलते रहता है? हाँ, ये अभी चलाएंगे गेहूं में पहले पानी के साथ। ये तो अभी गाजर हुई है 60 दिन की, 90 दिन में तैयार होती है ये। 60 दिन की गाजर? हाँ जी। और इसमें दो हमने पानी दिए। क्या बढ़िया 30 ये पूरे 12 इंच की 1 फुट की गाजर हो रही है। ये ऊपर पत्तियां देखिए कितनी हरी हो गई, ये बढ़ रही है। इसमें सिर्फ एक पानी जर्मिनेशन के लिए दिया, एक अभी परसों चौथे देना पड़ा, फिर भी ये देखिए कितना बढ़ रही है गुरु जी। पूरा 1 महीना बाकी है इस गाजर का। इसकी लंबाई देखिए आप, 1 महीना बाकी है। अच्छा, 1 महीने बाकी है जी। 90 दिन में तैयार, 90 दिन में तैयार होती। देखो तो कितना सुंदर है, सुर्ख लाल। अभी तो ये बिल्कुल कच्ची है गुरु जी। हाँ, बिल्कुल कच्ची है ये। अच्छा, मतलब पूरी पक जाएगी तो और लाल होती। हाँ, और लाल होगी। मैंने वो एक वीडियो डाला था ना, जो उखाड़ रहे थे जो तैयार थी गाजर, वो भी वैसे तो 10 से 1 दिन उनके उसके भी पड़े हुए थे। भूमि उपचार का ही कमाल है। इसमें सिर्फ जो भूमि उपचार किया उसी का कमाल, उसी का कमाल है। मिट्टी अच्छी हो गई जी। अब इसमें देखिए कुछ भी नहीं डाला हुआ ऊपर से, सिर्फ अच्छा। 2 पानी दिए हैं गुरु जी और कुछ नहीं किया। बहुत बढ़िया। 1 फीट के करीब गाजर अभी हो गई है। ये अपने ना ये गाजर गुरु जी 20-22 इंच की हो जाती है। अच्छा, 20-22 इंच की? जी जी, सारी एक जैसी गाजर निकलेगी अपने। अच्छा, मंडी में भी रेट अपने को लोगों से 100-150 रुपए एक गट्टे के पीछे, जैसे 50 किलो के पीछे ज्यादा मिल जाता है। अच्छा, क्वालिटी की वजह से। और ये देखिए गुरु जी हरी कितनी है। अब ये पत्तियां ज्यादा बढ़ी इसकी, अगर इसको पानी नहीं दिया ना, इतना कम दिया तो भी इसकी पत्तियां इतनी बढ़ गई, इतनी हरी गच्छा। अगर इसको जैव रसायन वगैरह दे देते तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती। क्या बात है। ये फिर भी अभी इसका 1 महीना बाकी है, 1 महीने में ये टीसीबीटी भूमि उपचार का ही कमाल है। कितने साल से इस खेत में भूमि उपचार हो चुका है? इसमें गुरुजी पिछले साल कंप्लीट हो गया था भूमि उपचार। भूमि उपचार में क्या क्या डाला होगा? अपने भूमि उपचार में डाला है गुरुजी लगभग 2 टन के करीब प्रति एकड़ जिप्सम जा चुकी है। 1.5 टन से ऊपर लाल मिट्टी चली गई है। 700-800 किलो अपने पीली मिट्टी चली गई। और जो रॉक फॉस्फेट है वो अपना गया है इसके अंदर लगभग 1200 किलो। कितने 2 साल में? हाँ, क्या बात है। बिल्कुल 1 महीना पड़ा हुआ गाजर का, फिर भी जीवाणु जल डला है। पहले बहुत डला हुआ है गुरु जी इसमें। कितना डला जीवाणु जल इसमें? डल गया होगा कोई 20,000 लीटर। 20,000 लीटर ज्यादा ही डला होगा, क्योंकि जब भी चलाते थे पीछे 3 साल चलता रहा तो उसमें जब भी चलाते थे 700-800 लीटर 1000 लीटर अंदाजे। फफूंद भक्षक वगैरह कीट भक्षक सभी चले हुए हैं गुरु, सभी चले। हाँ, वो तो कब के पूरे हो चुके हैं। अब तो कुछ नहीं करते गुरु जी, सिर्फ बुआई करते हैं और लोगों के मुकाबले 25% पानी की जरूरत रहती है और फसल तैयार हो जाती है। ये सिर्फ गुरु जी 60 दिन में गाजर तैयार हो गई। अच्छा, 1 महीना पड़ा हुआ है इसका, एडवांस में ही तैयार हो गई है ये। क्या बात अभी है। तक तो ये गाजर ना इतनी होनी थी, मैं बताऊं आपको। हाँ, हाँ। देख के गनी होगी कुछ निकलेगी अपने तो। हाँ, जैसे इससे थोड़ी बड़ी गाजर होनी थी अभी तक। अच्छा, मतलब 60 दिन में केवल इतनी बड़ी होती। सिंगल दिखाओ जरा उसको, मैं दिखाता हूँ गुरु जी को। और ये तो जैसे दो मुंह जैसा हो गया। हाँ, ऐसी गाजर होनी थी बस। 60 दिन में केवल इतनी बड़ी होती। हाँ, है इससे भी थोड़ी छोटी, लेकिन अपने अब ये मतलब उससे तो दुगना हो गई। कलर भी नहीं आता ऐसा। हाँ, हाँ। सफेद सी रहती है इस समय तक कच्ची। वाह, क्या भाई ने मेरे जिस दिन एक साथ हमने बोई थी वो केमिकल से करता है, उसका फोन आया था, वो बोला मेरे तो केवल पत्तियां बढ़ रही है भाई, नीचे गाजर सिर्फ अभी तक 5 इंच की गाजर हुई है, उसमें भी कोई कलर नहीं है। अच्छा, और अपने तैयार हो चुकी है ये तो गुरु जी। हमने पानी नहीं दिया इसको, 3 ही पानी गए हैं अभी तक टोटल। अगर इसको जैसे लोगों को 3 पानी तो देने पड़ते हैं जर्मिनेशन के लिए। 3 पानी शुरू में 3-3 दिन पे जर्मिनेशन में देते हैं, तब गाजर तैयार होती है। अच्छा, तो कुल कितना पानी दे देते हैं केमिकल वाले गाजर में? 5 से 6 पानी। 5 से 6 पानी और आप कितना पानी दिए हो? 3 पानी दिए हैं, जिसमें तीसरा पानी तो कैसे ही देना पड़ा। अच्छा, तो केवल 3 पानी में तैयार हो गई। क्या बात है। और इसका रंग जबरदस्त गुरु जी कैसा है पत्तियों का? अरे बिल्कुल हरा कच्चा,
कहीं कोई दोष नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई फंगस नहीं, कोई कुछ नहीं। और ना कोई फंगस नहीं, खरपतवार के लिए कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, कोई खरपतवार भी नहीं निकाले? लोग हर्बिसाइड डालते हैं। अच्छा, आपने इसमें कुछ डाला नहीं? डालते नहीं केमिकल तो गुरु जी हम। हाँ, कोई खरपतवार नाशक नहीं डाला? देखो, ये केवल बथुआ उगा है जहाँ तहाँ, बस वही दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। भूमि उपचार का ना गुरु जी यही फायदा है, जिसने एक बार कर लिया, मान लो 30-35 हजार रुपए प्रति एकड़ के लगते हैं, वो भले ही दो सीजन में कर ले, तो उसके बाद में यही फायदा है कि उसको अकेला पानी देना है, पानी भी लोगों के मुकाबले सिर्फ 20-25 और ज्यादा ही है, तो अणु जल देना है बस। अणु जल, जीवाणु जल, ये अगर किसी का मन नहीं, फसल नहीं मांगेगी। हाँ, मतलब फिर भी फसल भरपूर जबरदस्त होगी गुरु जी, लोगों से एक्स्ट्रा एडवांस में 1 महीना पहले गाजर अपनी तैयार हो गई, 10 दिन के बाद इसकी पटाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो लोगों की 90 दिन में तैयार होती है, आपकी 70 दिन में पटाई शुरू कर देंगे हम। 70 दिन में निकालना, बेचना शुरू हो जाएंगे, पहले जो बेची है। अच्छा, जो पहले। और इसका टेस्ट कितना अंतर रहता है? बहुत जबरदस्त रहता है गुरु जी। अभी मैं आपको कोई तैयार गाजर उधर, चलो अभी ये गाजर का टेस्ट कराओ, देखते हैं जरा। कच्ची है? हाँ हाँ हाँ, साफ करके देता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, खिलाइए गाजर, खिलाइए भाई। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम पंकज मंडा, आज हम गाजर की पटाई कर रहे हैं। और ये देखिए आप, गाजर निकाल रहे हैं, सारी गाजर एक समान, इतना अच्छा कलर, इतनी अच्छी क्वालिटी, लंबाई, ये देखिए सारी की सारी एक जैसी निकल रही है, कोई क्वालिटी में फ़र्क नहीं है कि कोई बीच में पतली हो, छोटी हो, या जो क्वालिटी में अच्छी ना हो, सारी गाजर एक समान है। ये देखिए इतना ही अच्छा कलर है, और सभी की लंबाई, ये देखिए भाई निकाल रहा है, और सभी एक जैसी निकल रही है। ये देखिए सभी एक समान गाजर है, अभी इसमें दिखाऊं आपको, ये देखिए बिल्कुल बीच में लाल भी कहीं सफ़ेद नहीं है, कोई लकड़ी जैसा कुछ नहीं है, A1 क्वालिटी की गाजर है सारी की सारी। आज हम आधा एकड़ की पटाई कर रहे हैं, तो लगभग इसकी ये थोड़ी अगेती थी, इसमें उम्मीद है कि 70-80 क्विंटल तक निकल जाएगी आधा एकड़ में। इतना 45-50 दिन का? हाँ, इतना ही होना चाहिए, गाजर के अंदर उगा था। तो 45 दिन का जो है सरसों, ये भूमि उपचार का कमाल, और सरसों हो गया निहाल, इसमें कुछ मात्र नहीं दिया, 45 दिन का सरसों हाथी का कान बन गया। केवल 45 दिन में देखिए पूरा इतनी लंबाई, मेरे बिल्कुल हाथ के बराबर लंबाई, और चौड़ाई देखिए इतनी। और ये जो है, अब इसकी जड़ दिखाइए जरा, जड़ कुछ दिए ही नहीं। केवल जब जड़ ऐसी रहेगी, इतनी बारीक बारीक ये मदर, ये देखिए ये सब मदर रूट्स, ये जब ऐसी जड़ रहेंगी तब पौधा बढ़ता है। तो जैसा जैसा जड़ वैसा पौधा, कोई कीट नहीं। और इसके पत्तियों का स्वाद अद्भुत है, मैं तो खा रहा हूँ, जब से आया हूँ तो पत्तियाँ खा रहा हूँ। ये सही करनी है और कोई काम नहीं करना उसको। इतनी झार है इस पत्तियों में, इतनी झार की कुछ पूछो मत, जैसे कोई मिर्ची, तीखी मिर्ची खाए हो ना, वैसी झार है। किन्नू का जैव रसायन कब बनाए पंकज भाई इसको? ये अभी सिर्फ गुरुजी 18-20 दिन का, केवल 18-20 दिन हुआ है, क्योंकि इसके अंदर ये है ना, पहले जो अपना जैव रसायन बना हुआ था। अच्छा, उसी में डाल दिया थोड़ा। अच्छा, तो ये देखो तैयारी हो गया है। तो अपने पास बेलगिरी का और किन्नू का मिक्स बना हुआ था, तो इसमें कितना किन्नू, कितना पानी और कितना गुड़ होगा? ये 500 लीटर की टंकी है गुरुजी, 370 लीटर पानी और 40 किलो गुड़ और 125 किलो किन्नू। अच्छा, पके हुए किन्नू पेड़ से तोड़ के डाले हो? बन गया, तैयार हो गया, बहुत सुंदर। तो इस तरह से आपने देखा किसान भाइयों, एक बार भूमि उपचार मिट्टी की हो जाए, हमारी मिट्टी स्वस्थ और सजीव हो जाए, उसके बाद तो केवल फसल बोना है, हल्की पुल्की एक दो सिंचाई करना है और फसल लेना ही है। तो ये TCBT भूमि उपचार का कमाल है, एक बार अपनी मिट्टी को पुनः स्वस्थ और सजीव करें,
रासायनिक खेती से मिट्टी बहुत कठोर हो गई है, मिट्टी में बहुत ज़्यादा फंगस, वायरस, कीटों का घर बन गया है ना, मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट लगभग ख़त्म हो गए हैं, ऊपर की 6 इंच की मिट्टी में सूक्ष्म खनिज तत्व अब बहुत कम बचे हैं, तो हमको भूमि को स्वस्थ करना ही पड़ेगा, तो फिर ऐसे ही जो है हर फसल आएगी। पंकज मंडा जी की हर फसल जो है बहुत ज़बरदस्त आने लगी है, क्योंकि वो भूमि उपचार कर चुके हैं। धन्यवाद।